नमस्कार, मैं आपका यूट्यूबर साथी राजेश रोशन आप लोगों के साथ आज फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों के सामने कुछ ऐसी पौराणिक कहानी है जो मेरे मन में याद थी और मैं उसे चाह रहा था कि आप लोगों के साथ साझा करूँ ताकि आप लोग भी समझें और इसके अंदर जो कहानी के अंदर जो निहित भाव है उसको समझने की कोशिश करें। आज हमारे समाज में जो इतनी कुरीतियाँ पाई जाती हैं, इतनी विषमताएँ पाई जाती हैं, इतनी विसंगतियाँ पाई जाती हैं, इस सब के पीछे हमारा ये मन ही है, हमारा मस्तिष्क है जो हमें ये सब करवाता है। तो ये क्यों पाई जाती हैं, इसका निदान क्या है, लोग कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। मैं कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपनी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ। आत्मबोध हो आपका, स्वयं मेरा भी आत्मबोध हो, मैं भी आप लोगों से परे नहीं हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा YouTube चैनल है राजेश रोशन 407, चैनल का नाम है और हैंडल है @RROSHN407, यानी @RRoshan407, सब स्मॉल है। अभी हाल ही में जो कोलकाता में निर्भया की जो घटना हुई है, उनके साथ जो दरिंदगी हुई, उन्हें मार दिया गया, यह समाज में एक प्रकार की विसंगतियों का ही परिणाम है। चाहे वो राजनीतिक कारण रहे हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के कारण रहे हों, तो जो अस्पताल में आरजीकर अस्पताल में जो नर्स थी उनके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। यह समाज को, यह समाज के लोगों को, यह हमारे आसपास के लोगों को समझना चाहिए, नेताओं को समझना चाहिए कि किसी को, किसी के साथ इस प्रकार की राजनीति की भावना रखें, राजनीति करनी है अपनी जगह पर करें। खैर वो तो बातें हुई, चूँकि आज सावन की तीसरी अंतिम सोमवारी, माफ कीजिए, अंतिम सोमवारी है और जब तक ये मेरा वीडियो पोस्ट होगा उस समय हम लोग भाद्रपद में पहुंच चुके हैं, श्रावण मास खत्म हो चुका होगा क्योंकि आज अंतिम है। तो लेकिन पौराणिक कहानी इसी से रिलेटेड है और श्रावण मास में शिव जी पर हम लोग जल अर्पित करते हैं। हमारे शिव जी हमारे महान हैं, हम लोग खुद उनकी आराधना करते हैं। विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं और शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। अभी हाल ही में मैं एक ब्लॉग बनाया था, मैंने उस ब्लॉग में दिखाया है कि मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था और ये अमरनाथ यात्रा करीब अभी 20 दिन पहले मैं करके आया था। तो उस पर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा कि लोगों को कैसे सुविधा हो, लोग कैसे जा पाएंगे अमरनाथ, उस पर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और वैसे मैं जो मैंने वीडियो बनाए हैं अमरनाथ के यात्रा के दौरान, तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो भगवान शिव बड़े अपने मन के हमारे आराध्य देव हैं और अपने मन में जो आते हैं वही करते हैं। एक बार एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर। आप लोगों ने, जी हाँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अपने दादियों से, अपने घरों में कहीं ना कहीं भस्मासुर के बारे में सुना होगा। तो भस्मासुर बहुत बहुत मन से, बहुत मन के वेग से उसने शिव की आराधना की, उसने तप किया। तो शिव जी तो भाई अब प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हुए तो कहे भस्मासुर को कि मांगो, क्या मांगो। तो भस्मासुर के मन में तो कुछ और ही चल रहा, उसने कहा कि मुझे आजीवन दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव बोले कि देखो ये तो हो नहीं सकता, दीर्घायु का आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकते, तुम कुछ और मांग सकते हो तो मांगो। भस्मासुर बोला कि एक काम कीजिए प्रभु, जब दीर्घायु होने का आशीर्वाद आप हमको नहीं दे सकते तो आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी के सर पर अगर हाथ रखूं तो वो जल के भस्म हो जाए। शिव जी तो अंदर ही अंदर के मन में संकोच में पड़ गए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने बोला था कि आप इसको छोड़कर, दीर्घायु होने का छोड़कर कुछ भी मांगो तो मैं दूंगा, शिव जी ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कहने की देरी थी, भस्मासुर को वो
आशीर्वाद मिल गया। पर भस्मासुर को लगा कि यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए यानी इसको वो सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि शिव जी मैं आपके ऊपर सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपके सर पे हाथ रखकर यह देखना चाहता हूँ कि यह मेरा जो वरदान आपने दिया है यह फलीभूत हुआ है। अब तो शिव जी लगे घबराए, अब शिव जी करें तो क्या करें, तो शिव जी वहाँ से भाग खड़े, वो तीनों लोगों में दौड़ने लगे। अब पार्वती के पास गए, पार्वती बोले कि अब आप ही की परिकल्पना है, आप ही ने उसको तथास्तु कहा है, वह तो आपके पीछे पड़ेगा ही, वो राक्षस है, उसकी सोच और उसकी प्रवृत्ति तो राक्षसी वाली है। अब शिव जी बोले कि अब मैं क्या करूँ, तो पार्वती जी बोली कि आप भागिए और सीधा विष्णु जी के पास जाइए, क्योंकि तो भस्मासुर आपके पीछे लगा हुआ है, आप पाताल में आकाश में नभ में कहीं भी जाइए आपके पीछे ही रहेगा। अब तो शिव जी वहाँ से भागे और सीधा विष्णु के पास, तो विष्णु को बोले कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले आपको रक्षा की करने की क्या जरूरत पड़ेगी, विष्णु को जबकि सब कुछ मालूम था। तो विष्णु जी बोले कि आपको रक्षा करने की क्या जरूरत पड़ गई, आपकी रक्षा कौन करेगा, आप तो स्वयं तीनों लोक के महादेव हैं। बोले कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो पीछे हमारा ये लगा हुआ है वो राक्षस भस्मासुर, और उसको मैंने आशीर्वाद दिया है कि वो जिसके सर पे हाथ रखो वो जल के खाक हो जाएगा, अब वो कहता है कि आप ही के ऊपर रखेंगे तो प्रभु मेरा रक्षा कीजिए, हम क्या करें, आशीर्वाद तो हम दे दिए। तो विष्णु बोले कि एक काम करो, आप जाओ जल्दी से भाग जाओ, मैं देखता हूँ। तो विष्णु शिव जी वहाँ से चले गए। अब विष्णु जी क्या किए कि देख लिए कि भस्मासुर आ रहा है, तो जिस रास्ते से जंगल से आ रहा था, शिव जी विष्णु जी क्या किए कि वहाँ उसके पास चले गए और एक सुंदर सी नारी का रूप धारण किए। विष्णु जी तो अवतार पुरुष थे ही, पर नारी का वेश धारण किए और भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। अब भस्मासुर भाग रहा था, अचानक वो एक सुंदर सी नारी को देखा, वो मोहित हो गया, वो सब कुछ भूल गया, वो नारी के पीछे पड़ गया। तो नारी को बोलता है कि मोहिनी मैं आपके रूप से तो मोहित हो गया हूँ और मैं आप पर नौछावर हो गया हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। अब मोहिनी बोली, अब मोहिनी तो मोहिनी थी नहीं, मोहिनी तो थी विष्णु जी के रूप में। तो मोहिनी बोली कि अगर आप मुझ पर इतना ही नौछावर हो गए हैं, आपके रूप से इतने मोहित हो गए हैं, तो ऐसा है कि मैं तभी आपका प्रपोजल मतलब आपका निमंत्रण स्वीकार करूँगी, आमंत्रण प्रपोजल एक वर्ड है इंग्लिश का, तो स्वीकार करूँगी, तो मैं जो कहूँगी वही आपको करना होगा। राक्षस तो राक्षस था, बोला कि ठीक है आप जो कहोगे मैं करूँ। तो बोली कि मैं जैसे जैसे नाचूंगी नृत्य मुद्रा उसी प्रकार से आपको नाचना होगा, और अगर आप नहीं नाच पाए तो आप मैं यहाँ से चली जाऊँ। भस्मासुर कहा कि नहीं नहीं मैं ज़रूर नाचूँगा, जैसे जैसे बोलोगे वैसे ऐसे नाचूँगा। फिर वो मोहिनी स्त्री जो थी, जो विष्णु के रूप में अवतार में थी, उन्होंने नाचना शुरू किया। वो हाथ ऐसे करती ऐसे करती, राक्षस भस्मासुर भी ऐसे ही करता। इसी दौरान नाचते नाचते मोहिनी अपने सर पे हाथ रखती है, भस्मासुर भी अपने सर पे नाचते नाचते उसी पोजीशन में उसी मुद्रा में हाथ रखता है, और ये हाथ रखा और भस्मासुर जलकर खा। यहाँ पे भस्मासुर का चैप्टर एंड हो गया। शिव जी ने राहत की सांस ली, विष्णु जो मोहिनी के अवतार थे विष्णु थे, विष्णु आए बोले कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो यह तो थी पौराणिक कहानी। अब पौराणिक कहानी है, इस कहानी को कहने के पीछे हमारे संतों हमारे ऋषियों हमारे मुनियों हमारे वेदों पुराणों का क्या महत्व है, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आज भी हमारे संसार में हमारे समाज में हमारे देश में हमारे आस पड़ोस, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो या कोई हो, भस्मासुर आज भी घूम रहे हैं,
आपके घर में हो सकते हैं, आपके समाज में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके देश में हो सकते हैं, वैश्विक रूप से भस्मासुर कहीं भी पाए जा सकते हैं। जरूरत है आपको उनको पहचानने की। ऐसे नहीं है कि वो भस्मासुर वो समाज से अलग दिखेगा, उसके दो सींग होंगे, उसकी दांतें निकली होंगी, वो ड्रैकुला होगा, सब नहीं है। भस्मासुर को आपको पहचानने की जरूरत है। भस्मासुर आपके यूट्यूब चैनल पे भी है। भस्मासुर ऐसे ऐसे हैं आपके यूट्यूब चैनल में कि आपके यूट्यूब चैनल को छोड़ने ही नहीं देते। विवादित बात नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कुछ भी पोस्ट कर लो, आप कुछ भी वीडियो बना लो, अगर अव्वल तो वो देखना नहीं चाहते हैं, और अगर देखते हैं तो नेगेटिव कमेंट करेंगे, उल्टे पुल्टे कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव करेंगे आपको। आपको जो यूट्यूब बताता है कि क्या ये जो वीडियो बना है ये आपके लिए सही है, स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री ऐसा आता है, तो वो सीधा कर देंगे कि नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, बस यूँ ही अगर बहुत ज़रूरी रहा तो वो वीडियो नहीं देखेंगे और आपको कमेंट कर देंगे। वेरी नाइस, वेरी फाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब तरह तरह के वो शब्दों से संयोजित करके आप कमेंट कर देंगे, वीडियो नहीं देखा आपको। तो ऐसे भस्मासुर भी आपके चैनल, अगर आपने अपने चैनल बनाया है और आप चैनल चलाते हैं, चाहे आप बड़े चैनल चलाते हों या छोटे हों या अभी शुरुआत की है, तो ऐसे भस्मासुरों से भी आपको बचने की ज़रूरत है। और मैं क्या ही कहूँ भाई साहब, मेरे चैनल पर फिर से मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाइए, और अगर ना अच्छा लगे कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप मार्केट में कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो हर चीज़ आपको पसंद आ जाए, ये भी तो एक मार्केट ही है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पसंद आ जाए और आप हर चीज़ खरीद लें, तो समय लगता है किसी चीज़ को समझने में भी, किसी चीज़ को करने में भी समय लगता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग सब बढ़िया से रहें, आप लोगों का साथ ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग जो बनाते हैं वो तो चलेगा भी नहीं, और हम लोग बस यूँ ही रह जाएंगे। तो आप लोग भी जो यूट्यूबर हैं, जो मेरे साथी हैं, जो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल के बहुत मानते हैं मुझे, उनका भी साथ ज़रूरी है। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाइए, आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ बताऊँगा, अच्छे उदाहरण पेश करूँगा, और आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। अतः आज के लिए बस इतना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे देखा, मुझे प्यार से चाहते हैं और मुझे बहुत मानते हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी सारे मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, सारे लिंक दे दूँगा। जय भारत, जय श्री भारत।